न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं वो आपके साथ रश्मि। जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोग और साथ ही परिवार के लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। ऐसे में आपको बताएं कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जब इस हत्या के बाद अस्पताल पहुंचे तो वहां पर जो परिवार वाले हैं, जो वहां के लोग हैं, उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा था। ऐसे में मीडिया कर्मियों के सामने उपेंद्र कुशवाहा की फजीहत हुई है। बता दें कि इस हत्याकांड को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछे गए, जिसके जवाब में उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि ये जो घटना है वो दुखद घटना है, लेकिन पीछे से जो लोग हैं, जो परिवार के सदस्य माने जा रहे हैं, उनका कहना है कि ये वही सरकार के लोग हैं जिन्हें हमने वोट देकर सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी, और सत्ता में आने के बाद से इस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार में देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको ये पूरी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे गए सवाल पर जब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जवाब दे रहे थे, तो ठीक उसी वक्त पीछे खड़े स्थानीय लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता और किस तरह से सरकार के विरोध की बात कही जाती है। हेलो सत्यापन है, सत्यापन सरेआम हत्या कर दी जाती है, क्या कहना है? बहुत ही दुखद घटना है, ईडी का सरकार है, यही ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन घटना हो गई है, इन्हीं को हम लोग वोट देते हैं। इन्हीं के आसपासन भारत देख लीजिए, हम लोग का क्या होगा, क्या कहेंगे? देखा आपने कि उपेंद्र कुशवाहा भी चुप हो गए, खामोश हो गए, क्योंकि उनके पास किसी भी सवाल के कोई जवाब नहीं थे। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से जेडीयू के नेता दीपक मेहता की हत्या हुई है, अपराधियों ने उन्हें गोली से छन्नी कर दिया है, इसको लेकर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं और उनकी तरफ से विरोध भी किया गया है। ऐसे में आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जेडीयू के नेता दीपक मेहता से काफी नजदीक है, उन दोनों के जो रिश्ते हैं वो भी काफी नजदीक बताए जा रहे थे शुरू से ही, यानी कि जब से उपेंद्र कुशवाहा ने राजनीतिक में अपनी पारी की शुरुआत की, उसी के कुछ ठीक महीने या कुछ समय के बाद से ही वो दीपक मेहता के साथ जुड़ गए। लंबे समय से उपेंद्र कुशवाहा दीपक मेहता के साथ ही रहे, ऐसे में जेडीयू में ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे, और इस तरह से हत्या हो जाने पर सवाल उठने लाजमी भी है, और यही वजह है कि लोगों का जो गुस्सा है वो अब फूट कर बाहर निकल रहा है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर जो हमने आपको वोट दिया है सत्ता में बैठने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद, आखिर इस तरह की घटनाएं बिहार में क्यों देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि जैसे ही स्थानीय लोगों की तरफ से सवाल पूछे गए, उपेंद्र कुशवाहा वहां पर खामोश हो गए, और ये खामोशी कई तरह के सवाल पैदा करती है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे पुलिस या कार्रवाई के द्वारा क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं, और परिवार वालों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ इस जांच में आगे पता चलता है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।